संत रामपाल जी महाराज ने इन्होंने दीक्षा ली, इनको कितना सुख हुआ। दीक्षा ली 12 बजे, 3 बजे इन्होंने खाना खाया पेट भर के, कोई उल्टी नहीं हुई। कल भी हमारे साथ थे, आज भी आपके सामने खड़े हैं। इन अपने इनके मुख्य मुखारविंद से सुने, इनको कितना सुख हुआ ये अपने मुंह से बताएंगे। बताओ जी। 50 साल बिना तो कितने घने ले, जोधपुर बंबई पूना सूरत सात भाई था, छह मर गया, माँ बाप तो बूढ़ा मर गया, हर आदमी की मरती है। 50 साल में रोटी नहीं भाई, रोटी खा तो उछाण होती, पानी पी तो उछाण होती, कोई वस्तु भली नहीं लगती। कोई बिरादरी में लुगाई है तो पागल है, निगम कपड़ा पहनती नहीं बांधे होती। तेरे तारीख को गड़े आया भावे मेरे में दर्श दिया भगवान भी आती गाड़ी इसमें चढ़ी आप आए होते के जाओ आप सत्य ने गड़ा रो संगत कर जाए गड़ा। बिल्कुल आज स्वस्थ है। 13 तारीख को इनकी ऐसी हालत थी, दाढ़ी भजी हुई, बाल निकले थे, मतलब इतनी इतनी गंभीर हालत के अंदर थे। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और आप 24 घंटे में इनका प्रमाण देख सकते हैं, ये अपने मुंह से बता रहे हैं, इतने सुखी हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हर मानव सुखी होता है, और कोई इंसान दुखी होता है, भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है उसको कुछ राहत मिले, कुछ सुख मिले, उसी का प्रमाण आपके सामने है। दास का कहने का भाव यह है, आपसे अनुरोध है, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद सर्व प्राणी को सुख प्राप्त होता है। जो भगवान से सुख आज तक अपने सुना करते थे कि भगवान अंधे को आंख देता है, कोढ़न को काया देता है, निर्जन को माया देता है, मांस को पुत्र देते हैं, ये भगवान से लाभ तभी मिलते हैं पूर्ण गुरु से दीक्षा प्राप्त करते, उस भगवान की भक्ति विधि सही मिलती है तब वो लाभ मिलते हैं। तो आज आपके सामने ये जीता जागता उदाहरण है, आपसे भी अनुरोध है, दुखी है वो तो सुखी होंगी, सुखी है वो भी इस भक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहता है वो दीक्षा बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, कोई तरह का पैसा या किसी तरह का किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये बिल्कुल ही मानव हित और कल्याण के लिए ये संस्था, आप में से ही हम आपके भाई बहन इस संस्था को चला रहे हैं, न कि इसका कोई बड़ा कोई ट्रस्ट या कहीं से कोई इनकम नहीं आती है। आप और हम सभी मिलके इस संस्था से जुड़ के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर इसका लाभ उठा रहे हैं। इस सत्संग का लाभ अपने हिंदू धर्म के सर्व शास्त्र गीता वेद पुराण उनके अनुसार है, अपने महापुरुषों ने इस भक्ति को किया और उन्होंने अनुभव किया और अपने को बताया, इसी आधार से ये भक्ति है। आप सभी से प्रार्थना है, जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन धन्य और मोक्ष प्राप्त होगा इससे और संपूर्ण सुख मिलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके शीघ्र से शीघ्र संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा पास में बनी अपने ये कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज महाविद्यालय, इसके अंदर हमारे भगत लोग बैठे, अपने ही भाई बहन, वो आपको दीक्षा वहां से मिलेगी, जिनको लेनी है वो दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई अभी सत्संग प्रारंभ होगा, अभी आप जिन भक्तों को सेवा लगी है चाय पानी की व्यवस्था करें, 5 मिनट बाद में ये जो सत्संग है वो अभी प्रारंभ करेगी। सच्चाई।